On our special day, I feel like I'm starting all over again, literally. 2006 में मेरा डेब्यू हुआ था और आज मुझे लग रहा है कि मेरा फिर से डेब्यू हो रहा है. एंड थैंक यू अपर्णा मैम, आपने इतनी अच्छी बातें कही हमारे बारे में. लेकिन ऑनेस्टली इस फिल्म का जो क्रेडिट है वो सारा का सारा अपर्णा जी को जाता है. थैंक यू. ऑनेस्टली फॉर मी दिस फिल्म इज़ वेरी स्पेशल, क्योंकि शायद मैंने अभी किसी को ये बताया नहीं है, ये फिल्म एक बार पहले लॉन्च हो चुकी थी. आप लोग उस लॉन्च के भी हिस्सा थे. ये फिल्म पहले मैं और इरफान साहब कर रहे थे, बहुत सालों पहले, 6-7 साल पहले की बात होगी. और वहाँ पे आप सब आए थे, हमने बहुत बड़ी लॉन्च भी की थी इस फिल्म की, और इस फिल्म का नाम था डिवाइन लवर्स. फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे जो डायरेक्टर हैं उनकी तबीयत कुछ ख़राब हुई, और 3-4 साल के लिए वो इस फिल्म को बनाने की उन्होंने डिसीजन कर दिया, कैन कर दिया. और फिर वो जब मेरे पास आए बहुत सालों बाद, तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए प्रॉब्लम थी कि इरफान साहब वॉज नो वेयर अराउंड अस, एंड दैट डीमोटिवेटेड अस. और दूसरी ये प्रॉब्लम थी कि हमें वो कंगना चाहिए थी जो कंगना 10 साल पहले होती थी. The Kangana who had the dream of the big city in her eyes. The Kangana who was hoping to be a part of Bollywood, you know. To hamare liye ye do teen, to mujhe bhi laga, maine kaha rehne dete hai Kabir, ye this is not going to work now. To phir aise hi maine for fun I sent it to Aparna ji, and the way they just lapped it up, they're like, let's do this. ऑलमोस्ट द डे आई सेंड, उसी वीक में कहा लेट्स डू दिस. तो उससे हमें बड़ी हिम्मत मिली कि अच्छा ठीक है, फिर करनी चाहिए. फिर उसके बाद तो रास्ते खुल ही जाते हैं. बट इट्स बीन एन अमेजिंग कोलैबोरेशन विद अमेज़न टीम, और दे टेक वेरी लिटिल क्रेडिट फॉर व्हाट दे डू टू मेक यू नो दिस प्लेटफॉर्म सो सक्सेसफुल इन इंडिया. बट ऑनेस्टली व्हेन आई वर्क विद देम, आई पर्सनली फील दैट दिस काइंड ऑफ क्रिएटिव कोलैबोरेशन is only good karma.